प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। तो हम सीख रहे थे कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके उपस्थिति को अनुभव करें, उसके आशीर्वाद को और उसकी महिमा को अनुभव करें, और यह सब हम पर निर्भर करता है। यह परमेश्वर पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह हम पर, हमारे निर्णय पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, उसके वचन को किस प्रकार हम स्वीकार करते हैं, और उसके वचन को हम अपनी तरफ से किस तरह से उत्तर देते हैं। तो यदि हमें परमेश्वर के वचनों का परिणाम देखना है हमारे जीवन में, तो हमें सबसे पहले हमें अपने जीवन से सभी बैर भाव को दूर करना होगा, उसे बाहर निकालना होगा और ईश्वर के वचन को नम्रता से, विश्वास के साथ ग्रहण करना होगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को ईश्वर के संदेश के रूप में स्वीकार करना होगा, न कि मानवीय संदेश के रूप में। हमें विश्वास करना होगा कि यह संदेश सीधे परमेश्वर की ओर से आया है। बाइबल में हम यीशु को यह कहते हुए कभी नहीं पाते हैं कि वह ऐसा कहता है, मैंने तुम्हें चंगा किया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, मैंने तुम्हें चंगा किया, बल्कि उन्होंने हमेशा कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। तो अब जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और वह अपने शरीर पर सभी प्रकार के लक्षण देख सकता है, और वह चाहे कितना भी प्रार्थना कर रहा हो, यह विचार उसके मन में ज़रूर आता है, यह विचार उसके मन में हमेशा आता है यह कहते हुए कि तुझमें विश्वास नहीं है, इसलिए तुम्हारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है। इसलिए जब हम यह सोचते रहते हैं कि मुझ में विश्वास नहीं है, अब चंगा होने की सभी आशाएं और सभी उम्मीद नष्ट हो गई है उस व्यक्ति की, और वह व्यक्ति खुद को एक निराशजनक विचारों में ले जा रहा है, क्योंकि उन विचारों ने उसे निराशा की घाटी में ले गया है। लेकिन आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ। रोमियों का पत्र में अध्याय 10 का पद संख्या 17 में बाइबल कहती है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अर्थात विश्वास सुनने से और वचन के द्वारा सुनने से आता है। तो याद रखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास विश्वास नहीं है, आप में विश्वास नहीं है, तो ये वचन के अनुसार परमेश्वर हमसे कह रहा है कि विश्वास सुनने से आता है और मसीह के वचन के सुनने से। तो याद रखिए कि विश्वास आता है। जैसे उदाहरण, जब आप किसी व्यक्ति को बुलाते हैं या आप किसी व्यक्ति को बोलते हैं इधर आओ, तो वह व्यक्ति आता है, वह अपनी जगह को छोड़कर आपके पास आता है। उसी तरह विश्वास भी आता है जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। बाइबल हमें सिखाता है कि विश्वास वचन के सुनने से आता है और वचन के द्वारा सुनने से आता है। तो अगर मेरे पास विश्वास नहीं है, तो आप विश्वास को बुला सकते हैं। अगर आपके पास विश्वास नहीं है, तो आप विश्वास को बुला सकते हैं। और यही परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि विश्वास कैसे आता है। जब पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के वचन को समझने के लिए प्रेरित करता है, तो वह उस वचन को आपके लिए वास्तविक और व्यक्तिगत बनाता है। इसका मतलब वह वचन को पवित्र आत्मा आपके लिए रियल और पर्सनल बनाता है।
अब जब आप इस वचन को लेते हैं और इसका अध्ययन करना शुरू करते हैं कि यह आपसे क्या कह रहा है, तो आपको यहाँ तीन चीज़ें मिलेंगी। परमेश्वर हमें ये तीन चरणों के माध्यम से विश्वास में लाता है। परमेश्वर हमें ये तीन चरणों के माध्यम से विश्वास में लाता है। तो पहला चरण क्या है? पहला चरण है ईश्वर का वचन। हमें विश्वास में आने के लिए सबसे पहले परमेश्वर के वचन को लेना है। वचन के बिना हम विश्वास में नहीं आ सकते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दूसरा चरण है ईश्वर के वचन को सुनना। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना होगा। हमें अपने कानों को वचन के लिए खोलना होगा। जिस तरह हम टीवी पर आने वाले समाचार को सुनते हैं अपने कानों को खोलकर पूरे ध्यान से, उसी तरह हमें वचन को भी अपने कान खोलकर ध्यान से सुनना होगा। उसी प्रकार हमें अपने मन और हृदय दोनों को वचन सुनने के लिए खोलना होगा। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा चरण है विश्वास। तब आता है जब आपके पास परमेश्वर का वचन होता है और जब आप इसे ध्यान से सुन रहे होते हैं। जब आप इन तीन चरणों का पालन करते हैं, जब आप इसे प्रैक्टिस करते हैं, तो परिणाम निश्चित सामने आता है। ईश्वर के वचन के द्वारा विश्वास आपके पास ज़रूर आएगा। इसलिए यदि आप अगर संदेह, भय, डर, चिंता, तनाव या अविश्वास, ये सब से अगर आप जूझ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, इस पर काबू पाने के लिए आपके पास विश्वास आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और इस विश्वास के द्वारा आप अपने जीवन के हर पहाड़ को, हर कठिनाई को, हर परिस्थिति को हटा सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमें इस सत्य को सिखाने के लिए कि विश्वास आपके वचन के सुनने से आता है और आपके वचन के द्वारा सुनने से आता है। आपका वचन किसी मनुष्य की ओर से नहीं बल्कि सीधे आपकी ओर से आया है। धन्यवाद प्रभु, इसलिए कि आपका वचन कभी व्यर्थ या खाली नहीं ठहरता। वह हमेशा जिस कार्य के लिए आपने उसे भेजा है उसे पूरा करता है। धन्यवाद पिता हमें सिखाने के लिए कि विश्वास कैसे आता है। सबसे पहले हमें आपके वचन की ज़रूरत है प्रभु, उसके बाद आपके वचन को सुनने की ज़रूरत है, और वचन के सुनने से और वचन के द्वारा सुनने से विश्वास ज़रूर आएगा। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं और इसे स्वयं बोलना शुरू करते हैं, अब इस वचन के बोलने से विश्वास नाम की शक्ति इस वचन से निकलती है जो आपके जीवन के हर पहाड़ को हटाने की ताकत रखती है। मैं फिर से दोहराती हूँ, जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं और इसे स्वयं बोलना शुरू करते हैं, अब इस वचन के बोलने से विश्वास नाम की शक्ति इस वचन से निकलती है जो आपके जीवन के हर पहाड़ को हटाने की ताकत रखती है। यह विश्वास पंचर हो सकता है जब आप अपने जीवन में बैर भाव और मलिनता को रखते हैं। इसलिए हमें यह निर्णय लेना होगा इन सब बैर भाव और मलिनता से पश्चाताप करके इसे अपने जीवन से हटा दे, नहीं तो विश्वास कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर आप यीशु के जैसे विश्वास में चलना चाहते हैं, तो आपके पास वचन होना चाहिए और आपको उस वचन पर विश्वास करना होगा जिसे आप देख नहीं सकते। विश्वास से उन वचन को ग्रहण कीजिए
और उसके अनुसार प्रार्थना में जो भी आपने मांगा है विश्वास कीजिए कि वह आपको मिल गया है, मिलने वाला नहीं है बल्कि मिल गया है। भले ही वह आपको ना दिखे पर विश्वास से परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद दीजिए। हे पिता, धन्यवाद आपको। आपके लोग अभी आपका वचन सुन रहे हैं और इस वचन के द्वारा उनमें विश्वास आ रहा है। यह विश्वास हर प्रकार का संदेह, हर प्रकार का डर, भय, हर प्रकार का तनाव और अविश्वास का नाश कर रहा है और उन्हें सत्य का ज्ञान दे रहा है। धन्यवाद यीशु। हर डर, भय, संदेह, तनाव, अविश्वास नाश हो गया है और स्वर्गदूत इनका उद्धार लेकर आ गए हैं और हमारे लिए सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता बना दिया गया है। जो लोग हमारे विरुद्ध आते हैं आपने उन्हें सौल के समान पॉल बना दिया है और यीशु के नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक को ग्रहण कीजिए जो आपको अपने जीवन में, अपने प्रियजनों के जीवन में सुधार और बदलाव लाने में मदद करता है। यह सुधार और बदलाव आप सिर्फ अपने जीवन में ही नहीं बल्कि अपने अड़ोस पड़ोस में भी लाए, अपने समाज में लाए और इस पूरी दुनिया में ले आए। इस महान आशीष के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के महान नाम से। आमेन।